हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोटक बैंक में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें जो है देखने मिला है एक नेगेटिव मोमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.60% की एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग एग्जिट हुई है 1846.60 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका थर्सडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे की यहाँ पे ट्यूसडे के क्लोजिंग के बेसिस पे थर्सडे को हमें स्टॉक में क्या देखने मिला है जरूर जो हमारे ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने है, कैंडल यहाँ पे बहुत ही बड़ी बनी है और यहाँ पे दोनों के साइड में बारीक हमें विक भी जो है देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई हमारा 48-49 के आसपास जो आ चुका है जो यहाँ पे हमें दोनों साइड का एक न्यूट्रल सा इशारा दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर एक स्लाइड नेगेटिव मोमेंट का है। चांसेस है कि स्टॉक में हमें डाउनसाइड 1827 के आसपास सबसे पहले देखने मिले। अगर उसको भी स्टॉक क्रॉस करते गया तो स्टॉक में इजिली डाउनसाइड 1818 तक जो है देखने मिलेगा। तो थोड़ा सा स्टॉक में आप जरूर जो कॉशियसली काम करें। यहाँ पे ट्रेंड अभी भी स्टॉक में पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे जो कब तक रहेगी वो हम यहाँ पे नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे ज्यादा टाइम तो नहीं रहेगी ये मैं आपको बता दूं। और फिलहाल अगर आपको ट्रेड लेना है स्टॉक में तो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में बाइंग साइड में आप जरूर ट्रेड ले सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड लेना है तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं करेंटली आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म में अगर आपको लेना है तो 1867 के ऊपर कभी भी स्टॉक जो है यहाँ पे दो दिन तक सस्टेन करे तो जरूर आप जो है वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। अपसाइड मूवमेंट आपको फिर 1940-1960 तक इजीली देखने मिलेगी। बाकी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा कि जितना हो सके उतना जो है यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा वेट करें और अराउंड 1767 के आस के नीचे स्टॉक जाए तो 25% करके जो है अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को जो है ऐड करें ताकि वहाँ पे आपका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी जो है अच्छा रहे और यहाँ पे जो है आपका लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है वेल्थ अच्छे से क्रिएट हो जाए। प्लस यहाँ पे आपकी एवरेजिंग वैल्यू भी जो बहुत ही बढ़िया एवरेज प्राइस जो है वो यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। मैंने इंट्राडे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों चीज के बारे में जो तीनों चीज के बारे में जो बता दिया है जरूर आप उसी को जो है उस लेवल्स को जो है यहाँ पे देखते हुए अपना ट्रेड ले। बाकी आपको क्या लगता है यहाँ पे थर्सडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, जरूर हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऐसे जो है यहाँ पे मार्क्ड है। फिलहाल हमें कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है लेकिन नीचे के साइड में एक नया डेटा बनते हुए देखने मिला उसको हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये भी हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे जूम करके हम बात करते हैं सीधा इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग 1844.50 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1840 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1848 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है थर्सडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट
और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझा है, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1832 का, उसके बाद क्या आता है 1827 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या अगला रेजिस्टेंस आता है 1858 का, उसके बाद क्या आता है 1865 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जो आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो है ट्रेड, मतलब थर्सडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में ट्यूसडे के क्लोजिंग के बेसिस पर थर्सडे के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का चांसेस आएगी। 1848 से लेकर 1858 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो है देखने मिले थर्सडे के दिन। बाकी आपको क्या लगता है थर्सडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।